3 सितंबर मंगलवार को बेड़ी नाग के मेले में अंतिम रूप देने के लिए लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाहर से आने वाले व्यापारी सभी अपनी अपनी बेड़ीना मंदिर परिसर में अपनी दुकानें लगाएं। दुकानें लगाने के लिए नगर पंचायत के द्वारा प्रबंध किया जाएगा। इस दौरान मेले में स्थानीय विभिन्न स्कूलों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी, जिसके लिए सभी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को टीम भेजने के लिए कहा गया है। मेले में मेले देखने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था सहित शांति व्यवस्था सहित आदि पर चर्चा की गई। मेले में स्थानीय महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा के साथ ही मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन स्थानीय विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया जाएगा। देखिए, बेड़ीनाग का जो ऋषि पंचमी के दिन जो मेला होता है, दिन का लगभग 25-30 साल पहले ये बेड़ीनाग जी के मंदिर परिसर में ही होता था। कतिपय कारणों से ही मेला बाजार में मनाया जाने लगा, तो अब नगर पंचायत को कई लोगों से सुझाव मिला था कि इस मेले को प्राचीन परंपरा के अनुसार नाग मंदिर परिसर में ही मनाया जाए। तो इसी हेतु हम लोग इस बार पहला प्रयास ये कर रहे हैं कि बेड़ीनाग जी का जो दिन का मेला है वो नाग मंदिर परिसर में, काफ़ी जगह है, तो यहीं पर सुचारू रूप से चलाया जाए। तो हम सभी जनता से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि कृपया इस नए प्रयास को आप लोग समर्थन करें और सभी लोग मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।